नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी ANM के सभी जितने भी अचयनित तो बहनें हैं। कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कि अगर हमारे कुछ नंबर और रहे होते तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो मेरिट बनती है, और चाहे कितने भी हम लोग फाइट करें उसमें, लेकिन मेरिट में आने पर ही सिलेक्शन होता है। किसी किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी कम होने की वजह से, सीटें ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ बहुत कम भी गई है, जैसे EWS। किसी किसी कैटेगरी में ज़्यादा अभ्यर्थी होने की वजह से कट ऑफ बहुत आई गई है, जनरल में 50 कट ऑफ गई है। तो कहीं ना कहीं जो ANM बहनें जिनके 25-30 नंबर हैं जनरल में, उनका नहीं हो पाया, तो या तो उनका EWS का सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया गया था, या फिर उन्होंने EWS लगाया नहीं था। इसी तरह से OBC की बहनें हैं जिनका नंबर अच्छा है, 43, 44, 45 है, या तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, या फिर उन्होंने सामान्य वर्ग में अप्लाई किया था। और बहुत सारे ऐसे भी OBC की ANM बहनें होंगी जिनके नंबर कम होंगे, लेकिन कट ऑफ अंक से कुछ कम होंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे भी बहुत सारे ANM बहनें होंगी जिनके नंबर कट ऑफ अंक के बराबर होंगे, लेकिन जितना डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा कट ऑफ अंक के बराबर अंक होने की दशा में, कम होने की दशा में नहीं, जितने कट ऑफ गई है उतना अगर नंबर है आपका उस कैटेगरी में, उतना नंबर अगर आपका है, मान लीजिए आप OBC में हैं और OBC में आपके जो नंबर है 42.5 है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ पर तब देखना होगा कि जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है कट ऑफ के साथ में, उन कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ से आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं बात का तो नहीं है। बात का होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनके पहले के जिनके भी डेट ऑफ बर्थ होंगे उनका सिलेक्शन हुआ होगा। जैसे SC कैटेगरी में 1992 शायद है उसमें कट ऑफ, तो उसमें 92 के बाद जिनका भी सेम नंबर 35 नंबर होने पर ही SC कैटेगरी में, तो जिनका बाद का होगा डेट ऑफ बर्थ जैसे 93, 94, 95, नंबर आपके भी 35 है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर वेटिंग लिस्ट या फिर सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन, अगर वेटिंग लिस्ट आती कितनी सीटें खाली होती हैं बाद में, और अभी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि कुछ सीटें तो समायोजित कर ली गई थी, कुछ सीटें समायोजित नहीं की गई, लेकिन सभी वर्ग में जितनी भी सीटें भविष्य में खाली होंगी उन सीटों पर प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होता है, और उसके लिए आयोग से हमें बात करनी होती, कोशिश करना होता है, और वहाँ पे हो भी जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे संभावना नहीं बनती है, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है कभी कभी, तो उसके लिए कोशिश करने पर चीज़ें जल्दी भी संभव हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बहनें हैं, विशेष करके जितने भी SC की बहनें हैं या आप OBC, EWS सभी के लिए है जनरल में, जिनका चयन नहीं हो पाया है, आप सभी के पास हमारा ये नंबर होगा पहले से। अगर आपको आवश्यक लगे तो आप फ़ोन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमें व्हाट्सएप कर लें। कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन आते हैं लगातार, लेकिन उसमें हम कुछ कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, और कुछ बहनें तो कह रहे थे कि भैया आपको हम 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे, आप आज जाके आपने फ़ोन रिसीव किया है, तो नंबर पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा नंबर, ऐसे फ़ोन आ रहे हैं उसमें कुछ फ़ोन कॉल रिसीव कर पाए, कुछ नहीं रिसीव कर पाया, उसमें कुछ काम कर रहे हों उस समय फ़ोन आया हो ना देख पाए हों, बाद में हम कॉल बैक भी करते हैं। एक काम यहाँ पर आप सभी को और करना है, इसमें देखिए फ्रेशर और संविदा दोनों ही बहनें होंगी जिनका चयन नहीं हुआ है, संविदा में भी कुछ बहनें हो सकती हैं, हालांकि ज़्यादातर जो है फ्रेशर वाले होंगे, संविदा में उनके संविदा के नंबर मिलने की वजह से ज़्यादातर तो लोगों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कुछ संविदा वाले भी ANM बहनें होंगी। तो फ्रेशर प्लस संविदा सभी लोग आप हमें व्हाट्सएप करिए कितने आपके नंबर हैं, इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब आप जनरल में हैं, EWS में हैं, OBC में हैं या फिर SC में हैं। SC हमने जो लास्ट में लाइन लिखा थंबनेल में यहाँ पर, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें लग रहा है कि SC कैटेगरी में सबसे कम ANM बहनें होंगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाकी OBC में ज़्यादा है, ANM बहनें जनरल में भी ज़्यादा है, EWS में भी काफ़ी ANM बहनें हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप सभी को हमें व्हाट्सएप करना है कितने आपके अंक हैं जो आपने परीक्षा दी है, अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आप अपने अंक बताएंगे प्लस संविदा का अनुभव बताएंगे, और अपनी कैटेगरी आप बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, EWS हैं, EST में या फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विस में तो किसी का सिलेक्शन रुका नहीं होगा, हमें लग रहा है सबका वहाँ पे हो चुका है जितने भी लोग थे। EWS कैटेगरी में बस ये हुआ है कि जिनका वैलिड नहीं हो पाया EWS, आपने EWS लगाया होगा लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, ऐसे हुआ होगा।
इसी तरह से जनरल में तो मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पे कुछ नंबर कम आपके रह गए होंगे उस वजह से, और किसी भी ANM बहन को ये लगता है कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं, तो हमने बहुत सारे ANM बहनों का कार्बन कॉपी, उनका OMR शीट की जो कार्बन कॉपी मंग उसको लेकर के और आंसर की से मिलान किया है। तो आप लोगों का भी, जिनको भी डाउट लगे एक बार हम आपका भी चेक करेंगे, हो सकता है कि आपके चेक करने में कुछ त्रुटियां रह गई, हो सकता है कि आपका सब कुछ ठीक हो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। हमने इसके पहले सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि किसी के साथ गलत नहीं हो सकता है, अगर कुछ भी विसंगति होगी उसके लिए संघर्ष करेंगे। और जिनके भी कुछ नंबर कम हैं, SC कैटेगरी में आपके नंबर अगर 15, 20, 25 भी नंबर आपके हों तो भी कैसे आपको उम्मीद रखना है वो आपको बताएंगे हम। इसी तरह से OBC में कितने नंबर तक आपको उम्मीद रखना चाहिए, कितनी सीटें खाली हो सकती है जनरल में या फिर EWS में, एक बार आप सभी ANM बहनों जिनको आवश्यक लगे आप फ़ोन करिएगा, हम कोशिश करेंगे, अगर आपका फ़ोन आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें, आपका कॉल रिसीव करें या फिर कॉल बैक करेंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप सभी हमें अपने नंबर, और अगर आप संविदा कर्मी हैं तो संविदा कर्मी का भी आप अलग से लिख दीजिएगा, कितने साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना था अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि संविदा कर्मी भी कुछ ANM बहनें हो सकती हैं जिनका सिलेक्शन ना हो पाया हो। इसके अलावा आपकी कैटेगरी ज़रूर बताइए, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितनी भी हमारे ANM की अचयनित बहनें हैं, क्योंकि सब लोग बिल्कुल हताश निराश परेशान हो चुके हैं, परिवार में रह कर के हमने इतनी मेहनत की, हो सकता है कुछ ANM बहनें हमारे फ्रेशर हो, माफ़ी चाहूँगा, अविवाहित हों, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अगर उनकी भी नौकरी लग जाए तो उनके माता पिता का बोझ कितना हल्का हो जाएगा, बिल्कुल उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बेटी है कि हमारे बेटा है। तो सभी के लिए यहाँ पर बहुत उम्मीदें थी कि अगर यहाँ पर हो गया, हमारी नौकरी लग गई, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में, घर में खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन कुछ नंबर, कुछ कम कम नंबर होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो किस प्रकार से आगे आपके लिए स्थितियाँ बनेंगी तो बताएंगे आपको आगे, लेकिन अभी आप सभी सिर्फ इतना करिए, आगे की भी आपको तैयारी करनी है साथ साथ, लेकिन पहले अभी आप निराश मत होइए, अभी बहुत कुछ उम्मीदें बची हुई हैं। किस प्रकार से, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हो सकती हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एक बार थोड़ा सा बस हमें ये आइडिया लग जाए कि किस कैटेगरी में कितने नंबर वाले कितनी ANM बहनें हैं, इसके बाद फिर हम अलग अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जैसे OBC की जितनी भी ANM बहनें हैं उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप, SC की जितनी भी ANM बहनें होंगी उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप, इसी तरह से। यहाँ पर जिनका भी हो जाता है, बाकी जिनका नहीं हो पाएगा तो कम से कम थोड़ा सा हमें ये तो पता चल जाएगा ना हमें कहाँ कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, और अगर कोई डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ कमियाँ रह गई, जैसे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट SC में या फिर OBC में मान्य नहीं हो पाया, तो जनरल में उनको जाने की वजह से, जनरल में उनको कंसीडर करने की वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, क्योंकि उनको अपने कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया गया। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें होंगी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे सारी जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना करिए। धन्यवाद।